पब्लिक टीवी आपकी आवाज। राष्ट्र सेविका समिति तरुणी विभाग महानगर मुरादाबाद की ओर से रानी लक्ष्मीबाई के स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में पंचायत भवन के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता तरुणी प्रमुख ऋचा जी और मुख्य वक्ता ब्रज प्रांत बौद्धिक प्रमुख डॉक्टर मालती गिरी जी रही। साथ ही मुख्य अतिथि ARTO मुरादाबाद छवि चौहान रही। भारत माता और झांसी की रानी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ ही शुभारंभ किया गया। साथ ही झांसी की रानी पर आधारित गीतों का गायन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में सभी बालिकाओं को संबोधित किया गया। राष्ट्र सेविका समिति तरुणी विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सभी वक्ताओं ने अपने विचार रखे। मंच पर बोलते हुए सभी वक्ताओं ने कहा कि झांसी की रानी ने अपने लिए नहीं बल्कि सभी के लिए अपना जीवन दिया और देश की रक्षा के लिए झांसी की रानी बनी। झांसी की रानी ने 9 वर्ष में सब कुछ सीख लिया था। 14 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह हो गया और 23 वर्ष की आयु में उनके पति का देहांत भी हो गया था। अखंड भारत के लिए जो कार्य अभी झांसी की रानी के रह गए हैं, उन सभी कार्यों को पूरा करना है और झांसी के सपनों को पूरा करना हम सभी का कर्तव्य है। तो राष्ट्रीयता के उदाहरण इस तरह के हमारे देश में मिलते हैं। हमें राष्ट्रीयता के उदाहरण के लिए क्या करना होगा? तो कि हम भारत को जानो। किसी ने कहा कि भारत को जानो, भारत को पहचानो, भारत को अनुभव करो, भारत के बनो। जब हम भारत के बनेंगे तब हम देश के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ काम कर सकेंगे। उसके लिए हमें अपनी भी तैयारी को करनी होगी। अपनी तैयारियों में क्या करना होगा? शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हमें सशक्त तो होना पड़ेगा। यहाँ पे जितनी बालिकाएं उपस्थित हैं कि आज के महान दिवस के उसमें आप इसको मनाएं, और महिलाओं और लड़कियों, ये आपके लिए केवल एक कार्यक्रम नहीं है। हमारी रानी लक्ष्मीबाई जी के लिए आप उनके जीवन से आप प्रेरणा लें, क्योंकि हर महिला, हर बालिका के अंदर वो सभी गुण हैं जो आगे बढ़ने से आपको कभी नहीं रोक सकते। कोई भी बालिका किसी पुरुष या किसी बालक से कम नहीं है, चाहे वो बुद्धिमत्ता में, चाहे वो और किसी क्षेत्र में। केवल आपको अपनी गुणों को और ज़्यादा, जितने आपके गुण हैं, आपकी जितनी क्वालिटीज़ हैं, आपको उनको पहचानना है, उनको पहचान के उनको संवारना है, अपने लक्ष्य को बनाना है। और लक्ष्य को आप निर्धारण करने के बाद उस लक्ष्य की ओर अग्रसरित होके उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, जिससे कि आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, आप अपने परिवार का नाम रोशन करें, आप अपने देश का नाम रोशन करें। यहाँ पे उपस्थित जितनी बालिकाएं हैं उनमें बहुत सारी बालिकाएं जो कि IAS, PCS या कोई ऑफिसर या मेडिकल फील्ड में या इंजीनियर कुछ ना कुछ जरूर बनेंगी, गृहिणी भी बनेंगी, तो कम से कम वो अपने परिवार की 3 पीढ़ियों का ध्यान रखेंगी, उनको आगे बढ़ाएंगी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।